बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से रेशा कबाब की रेसिपी। ये बीफ रेशा कबाब हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही इजी हैं और एक ही बर्तन में हम इसको बनाएंगे और किसी भी मिक्सर या फिर किसी भी मशीन की, ग्राइंडर की, किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि एक ही प्रेशर कुकर में हम इसको रेडी कर लेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार से ये कबाब रेडी होते हैं और झटपट ये रेडी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमने इसमें चीज़ भी फिल की है, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर चीज़ फिल करना चाहें वरना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ से बहुत ही ज़बरदस्त इनका फ्लेवर हो जाता है और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर बोनलेस बीफ मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ के जी के बराबर, और इसको नॉर्मल साइज़ के पीसीस में कट कर लिया था, यानी बहुत बड़े पीसीस में नहीं रखा और बहुत ही छोटे पीसीस में भी नहीं रखा। और इसके साथ ही चना की दाल जो है वो मैंने एक घंटा पहले भगो दी थी और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। पानी निकालने के बाद ये दाल भी इसमें ऐड कर रही हूँ। एक कप मैंने दाल ले ली थी और वो भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं एक अदद प्याज जो है उसको काट के डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। अब कुछ साबुत स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे कड़ी पत्ता मैंने एक ले लिया था, उसकी पीस करके डाल दिया, और साबुत लाल मिर्चें जो हैं वो 4 से 5 अदद मैंने ले ली, दालचीनी का पीस ले लिया और मोटी इलायची जो है 2 अदद ले ली हैं। यहाँ पे काली मिर्च जो है वो 8 से 10 दाने ले ली हैं और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने साबुत धनिया ले लिया है। साबुत स्पाइसेस जो हैं इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, जब हम इसको पीसेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर ज़ीरा भी मैंने 1 टीस्पून ले लिया और नमक ले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। लौंग जो है वो भी 3 अदद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब इसमें हम ड्राई स्पाइसेस कुछ ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी मैंने ले ली है और यहाँ पे 1/2 टीस्पून ही मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। लाल मिर्च पाउडर कम इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने साबुत मिर्चें जो ऐड की हैं वो भी जब हम पीसेंगे तो वो भी तेज़ हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो पीसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दिया है और 1 गिलास भर के मैंने इसका इसमें पानी का ऐड कर दिया है। अगर देखें आपके, अगर आपको पानी कम लग रहा है तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर जो है उसको मैं बंद कर दूँगी और सीटी लगा दूँगी और इसको तकरीबन 15 मिनट तक हम पकाएँगे तो बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें से कड़ी पत्ता, दालचीनी और जो काली इलायची, जो मोटी इलायची है उसको हम निकाल लेंगे। टेस्ट इसका इसके अंदर शामिल हो चुका है तो बस इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे। हल्का हल्का पानी है इसके पैंदे में तो वो चूल्हे पे रख के हम इसको तेज़ फ्लेम करने के बाद ड्राई कर लेंगे। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, बस हमने इसको खुश करना है। और जहाँ पे हमने पानी भी खुश कर लिया है और अब ये देखें कि बिल्कुल ये इसमें पानी नहीं है, पैंदा बिल्कुल क्लियर है, तो बस इसको हम अब पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो लंगरी सोटा होता है उसके सोटे का इस्तेमाल किया है। मैं इसमें कोई भी मशीन वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, कोई ब्लेंडर जो है वो चॉपर यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने इस डंडे के साथ इसकी कुटाई करनी है और ये बहुत अच्छे से इसके रेशे जो हैं वो भी अलग हो जाएंगे और सारी मिक्सिंग जो है वो अच्छे से हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको, मैंने थोड़ी वीडियो तेज़ कर दी थी तो हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। आप देख रहे हैं कि एक ही प्रेशर कुकर में मैंने इसको गलाया भी, उसी के अंदर मैंने इसको पीस भी लिया, उसी के अंदर हम इसके कबाब भी बना लेंगे। हमने ज़्यादा बर्तन जो है उनका इस्तेमाल नहीं किया। ये रेशे देखें इसके, कितना अच्छे से ये पीस गया है और इसके रेशे अलहदा हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह ये पीस गया है, ये देखें। अब इसको हम थोड़ा रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ये जो पीसना है ये गरम गरम ही पीसना है आपने। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च जो है, सब्ज़ मिर्च जो है थोड़ी पुरानी हो गई थी तो वो लाल मिर्च हो गई थी, वो मैंने थोड़ी ऐड कर दी है इसमें।
अच्छी लुक के लिए, और थोड़ा सा बस धनिया ऐड कर दिया था, एक अदद अंडा ऐड कर दिया। अगर आपके पास इस तरह लाल मिर्च नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं ये, बस ये है कि इससे लुक इसकी बहुत अच्छी आती है। जब हम कबाब बनाते हैं तो इसकी लुक जो है वो अच्छी आती है। इसकी जगह पे आप सब्ज़ मिर्च जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अंडे की मिक्सिंग जो है वो अच्छे से कर लेंगे। और अब हम कबाब बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ में इस कबाब का मसाला जो है ये ले लिया है, और इसको थोड़ा मैं पतला कर लूँगी क्योंकि इसमें हमने चीज़ फिल करनी है। ये ऑप्शनल है, चीज़ अगर आप चाहें तो फिल कर लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ही आप रेशादार कबाब जो है वो बना सकते हैं, लेकिन चीज़ से बहुत ही ज़बरदस्त इनका फ्लेवर हो जाता है। और मैंने इसमें से कुछ जो है उसमें चीज़ फिल की थी और कुछ मैंने वैसे ही बना लिए थे। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से अंदर इसके डालने के बाद साइडों से कवर कर लेंगे और कबाब की शेप दे लेंगे। बहुत ही मज़ेदार चीज़ी से ये कबाब रेडी हो जाते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है, और अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल का विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन प्रेस करते जाएं, ताकि आप तक ईजी तरीके से वीडियोज़ पहुँच सकें। और यहाँ पर मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, इसी तरह उठा के आप फ्रीज़र पे रख दें, जब हार्ड हो जाए तो किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के इनको स्टोर कर दें। तो यहाँ पे अब कबाब हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमने गरम कर लिया था और गरम ऑयल में मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं पहले ही कुक हैं, बस इनको हमने अच्छा सा कलर देना है। तो फ्लेम जो है लो रखना ज़रूरी नहीं है, बस मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा, तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। मेरे चैनल पे आपको कबाब की बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी, आलू के कबाब की, आलू दाल के कबाब की, और वैसे वेजिटेबल्स के कबाब की बहुत अच्छी सी वैरायटीज़ मिलेंगी। आप विज़िट कर सकते हैं और उनको भी इंजॉय कर सकते हैं बनाकर। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार से ये चीज़ी रेशादार कबाब जो हैं ये रेडी हो गए हैं। तो हम इनको हमने डिश आउट कर लिया है, और इनकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। तो टेस्ट तो इनका बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि आप तक न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले पहुंच सकें। तो यहाँ पे हमने इनको रेडी कर लिया है, तो अब हम इनको कट भी करते हैं और आप देखें कि किस तरह से ये चीज़ी हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो, ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।